नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। आप इंडिया के हिंदी मीडियम के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पर हैं और आप देख रहे हैं कि हमने उन बच्चों का भी ध्यान रखा जो बच्चे कह रहे थे बार बार कि सर हम काफी लेट हो गए, हमारा शुरुआत के जो चैप्टर आप पढ़ाए थे वो नहीं हुआ है। तो मैं आप सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उन बच्चों को भी जो छूट ना जाए तो उनको लेते हुए भी मैं आज चैप्टर वन करा रहा हूं। और जो बच्चे इसको कर चुके हैं उनको मैं कहूंगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सारे बच्चों को ये ही बात ध्यान रखना है कि रिवीजन करें एक तरफ से, और एक तरफ से भाई शुरुआत कर दें कि कैसे हम समझें क्लास ट्वेल्थ को बेहतर बनाएं। आज 22 मई है, विशेष दिन है आज। क्या विशेष दिन है उसके बारे में भी बात करूंगा जस्ट थोड़ी देर में। लेकिन आज आपका पहला क्लास, ये एक्चुअली पहले ये चैप्टर टू हुआ करता था, अब न्यू कोर्स के तहत ये चैप्टर वन है, यानी आप चैप्टर वन विलियन देखेंगे। तो बताइए कैसे हैं सब, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आप सब रह जाइए मेरे क्लास में रेगुलर और एक एक चीजों के समझते हुए। लेकिन मैं थोड़ी सी आप सबको संदेश देना चाहूंगा, जो बच्चे क्लास ट्वेल्थ में हैं उन सारे बच्चों को भी, और आने वाले टाइम के लिए आपने कुछ बनाया होगा, कुछ सोचा होगा, उसके लिए भी एक शॉर्ट में एक बात कहना चाहूंगा। बस कुछ ही मिनट आपके लिए लूंगा। वो है कि यदि आप आने वाले साल में, अभी बायोलॉजी वाले बच्चे हैं और आने वाले साल में यानी 2024 में नीट का एग्जाम दिलाना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आप ट्वेल्थ के साथ साथ नीट की भी तैयारी कर लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं विलियन पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन छोटी सी बात आपको कहूंगा कि हमने एक लाइव क्लास, लाइव बैच लिया दिया है, वो है डाउटनट पर। और ये बैच जो है वो आज 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसको कहते हैं आरंभ बैच। जिन बच्चों को पता है उनको मैं कहना चाहूंगा कि वो ज्वाइन कर चुके हो, जो नहीं, जिनको नहीं पता, वो बहुत सारे बच्चे जो बचे हुए हैं उनको बताना चाहूंगा कि ये वाली बैच क्लास ट्वेल्थ के साथ आपकी नीट की पूरी तैयारी हो जाएगी। इस बैच के साथ ये लाइव बैच है, जो लाइव पेड बैच है, यानी पेड लाइव बैच है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा जल्दी से कि ये आरंभ बैच है और ये आज 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ये हमारी क्लास, और एक तरह से बोले तो हो ही गया है। ये आरंभ नीट 2024 के लिए है। इसमें हमारे सर बायोलॉजी वाले सर यानी कि योगेश और पाठ सर हैं, और हम केमिस्ट्री में मैं और कामेश सर हैं, विपिन क्या शुभम पालीवाल और विपिन सर जो हैं वो फिजिक्स में आ रहे हैं। ये इसकी जो रियल प्राइस है, जो कीमत है, वो है 11,999, और जबकि ये आपको मिल रहा है आज 22 मार्च, यानी आज आज लास्ट डे है। 22 मई को है आपका 6,999, 22 मई तक आरंभ कूपन कोड लगाने पर। अगर किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0124715-8250 पर। और हाँ, किसी को और भी कुछ कहना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, नीचे गूगल शीट दिया गया है। अगर आप गूगल शीट आज फिल कर देते हैं और आज अगर लेट हो जाते हैं तो कल भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आज कर लेना चाहिए। आप जितना हो सके गूगल शीट फिल कर लीजिए ताकि एक दो दिन के अंदर भी आप ज्वाइन करने का आपको अधिकार मिल जाएगा, यदि आप गूगल शीट फिल कर देते हैं तो। नीचे दिया गया है, उसको भर के रखिए। हम पढ़ेंगे आज विलियन। विलियन है क्या चीज बेटा? ये चैप्टर नंबर क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर वन है अभी, और ये आपको आज दे रहे हैं हम लेक्चर वन। क्या सब तैयार हैं? बोलो यस सर, बोलिए हां जी। जी तो चलिए आज बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे, अनु आया हुआ है, राठौर, हां बीजेपी, यस आप कह रहे हैं कि मिस यू सर, बिल्कुल मिस करने की जरूरत नहीं बेटा, मेरे साथ आप बने रहो तो सब कुछ पॉसिबल है। चलिए साहब, मैं बात करना चाहूंगा विलियन, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में सॉल्यूशन। विलियन है क्या? सिंपल एक बात पर ध्यान दें, यह है समांगी मिश्रण। विलियन है समांगी मिश्रण, बिल्कुल। मेरे साथ कॉपी में लिखो ताकि आपको याद हो जाए। विलियन क्या है? मिश्रण है, समांगी मिश्रण रखा हुआ है।
ये इस बोतल में बना दिया नमक और पानी के साथ, ये बना हुआ मीठा पानी, इसमें क्या क्या चीजें, पानी है और शक्कर है, तो ये बन गया है एक विलियन, क्योंकि ये समांगी है, क्योंकि हर जगह पे मैं अगर इसमें हर जगह से इसमें हर दिशा से हर बूंद पर समान स्वाद है, हर बूंद पर समान संगठन है, समांगी मिशन। तो परिभाषित कैसे करोगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या बोला मैंने, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? नहीं नहीं क्लास नहीं रुकेगी। यार ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए, मैंने कहा, एक बच्चे ने पूछा दोबारा क्यों पढ़ा रहे बेटा, ये देखो इस सेशन की कई बच्चों ने अभी अलग अलग तरह का एग्जाम दिलाए होंगे, तो वो हो सकता है कि उन्होंने तैयारी शुरू नहीं किए होंगे क्लास ट्वेल्थ का, तो वो बच्चे जो क्लास ट्वेल्थ की अभी शुरुआत कर रहे हैं उन सब के लिए क्लास चालू हुआ है। फिलहाल मैं पढ़ाना चाहूंगा विलयन। विलयन क्या है बेटा बताओ, आपके दिमाग में आना चाहिए और आप अपनी कॉपी में लिख सकोगे, क्या है विलयन? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, होमोलोगस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये एक बात हुआ, तो हम कहेंगे यहां पर, मैंने यहां पर परिभाषा लिखा भी है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। याद हो गया? अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल बताता हूं, उदाहरण। उदाहरण पहला, जल यानी कि पानी, पानी में आपने शक्कर घोला तो यह बन गया विलयन। किसका विलयन बन गया? शक्कर का विलयन, शक्कर विलयन कहेंगे इसको, चीनी विलयन या शक्कर का विलयन। इसी तरह से दूसरी बात, जल में अल्कोहल घुल जाता है तो यह क्या बन गया? अल्कोहल सॉल्यूशन। जल पानी में नमक घोल दो, एक विलयन बन गया। ऐसे ही ये विलयन अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में विलयन हो सकता है, तो इनके बारे में हम आगे जाकर के डिटेल में पढ़ेंगे। हमें आज की क्लास में कुछ चीजों को जानना था। आपने क्या जान लिए? विलयन क्या होता है? बोलो यस बेटा। जब यस बोल दोगे ना, जब बोलना शुरू करोगे ना, ऑनलाइन क्लास कैसे पढ़ा जाता है, ऑफलाइन क्लास कैसे पढ़ा जाता है, ये जानकारी हो जाए ना, तो आपका प्रोग्रेस अपने आप लग जाएगा, एक एक चीजों को सीख जाएंगे। पढ़ा कैसे जाता है कि टीचर जब बोल रहे होते हैं तो आपको भी बोलना है, टीचर जब पूछ रहे हैं तो आपको बताना है। हमेशा चैट नहीं करते रहना, आप आपस में बात ही नहीं करते रहना, आपको शोर शराबा नहीं करना है, ये चैटिंग है जो शोर शराबा। अगर कुछ कहना ही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बातें कह दे, हम बाद में उसको देख लेंगे और आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए साहब, आज की बात करते हैं, ठीक। और जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होता है, चैट वाला बॉक्स होता है उसको बंद कर देते हैं ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, ये ध्यान रखिएगा। और लाइक बटन तो जरूर दबा दीजिए ताकि आपकी पढ़ाई आगे बढ़ सके। तो चलिए, आपने देखा समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के घटक आपको बता दूं, विलयन में मुख्य दो घटक होते हैं, यानी यहां पर याद रखो, यहां पर एक है जल और एक है शक्कर, यहां पर जल है, एक अल्कोहल है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दो ही घटक होंगे, तीन घटक यानी तीन पदार्थों से भी बना हुआ विलयन हो सकता है। तो हमारे पास विलयन द्विघटकीय विलयन, त्रिघटकीय विलयन और चतुर्घटकीय विलयन हो सकते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये इसमें बाद में जाएंगे, क्योंकि उस जगह पर जाने पर आपको बहुत सारी बातें आएंगी। पहली बात तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, विलयन को हमने कहा समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, बस इतना समझ में आ गया। जल में शक्कर घुला हुआ है, जल में अल्कोहल घुला है, जल में नमक घुला हुआ है, सब विलयन कहलाएगा। विलयन में इन चीजों को घटक कहा जाता है, उन पदार्थों को घटक कहा जाता है। एक शब्द है घटक या कंपोनेंट, घटक। विलयन जिन पदार्थों से बना होता है उन्हें घटक कहते हैं। विलयन लिखो बेटा कॉपी में, जिन पदार्थों से बना होता है, से बना होता है, घटक कहलाता है। कंपोनेंट,
विलयन जिन पदार्थों से बना होता है उसे घटक कहते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं इस तरह से द्विघटकी विलयन, द्विघटकी विलयन वे घटक जिनमें दो घटक होते, वे विलयन जिसमें दो घटक होते हैं द्विघटकी विलयन कहलाएगा। द्विघटकी विलयन में दो घटक होते हैं, एक कहलाता है विलायक और दूसरा कहलाता है विलेय। छोटी छोटी बातें जो जरूरी है उसके बारे में बात कर रहा हूं। द्विघटकी विलयन, त्रिघटकी विलयन में तीन पदार्थ होंगे, लेकिन यहां विलेय और विलायक शब्द का उपयोग आप करिए, विलायक और विलेय। विलायक को सॉल्वेंट कहा जाता है, इसको सॉल्यूट कहा जाता है। चलिए क्या बोलेंगे, विलायक और विलेय दो पदार्थ होते हैं, दो घटक होते हैं। द्विघटकी विलयन में कितने घटक होते हैं, दो घटक। बताते जाइएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है विलयन, बस समझना। बहुत मजेदार है बेटा, विलयन से ज्यादा मजेदार कोई चैप्टर आपको शायद ही मिले। मैं आपको बता दूं पहला ही चैप्टर मजेदार है केमिस्ट्री का। तो उस घटक समझ में आया, विलयन में द्विघटकी विलयन, विलायक और विलेय। विलायक को हम जब भी दर्शाएंगे ए से दर्शाएंगे और विलेय को हम दर्शाते हैं बी से। एक संकेत दे दिया गया, बार बार विलायक बोलना या सॉल्वेंट बोलना, बार बार विलेय बोलना, इतना कंझट काम लगेगा। इससे अच्छा है कि ए और बी घटक। क्या बोलेंगे, ए और बी घटक बोलेंगे। बेटा विलेय और विलायक का मतलब क्या है, एक लाइन में आपको यहां पर जवाब दे रहा हूं। अधिक मात्रा, पूरा परिभाषा लिखाऊंगा पहले, शॉर्ट देखो शॉर्ट नोट्स कैसे लिखा जाता है। अधिक मात्रा, और इसके लिए मैं लिखूंगा कम मात्रा। मतलब विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, जो ज्यादा होता है। मान लो एक गिलास पानी लिए, एक गिलास पानी में आपने एक चम्मच शक्कर घोला है, दो चम्मच शक्कर घोला, तीन चम्मच शक्कर घोला है, क्या ज्यादा है, पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा है वो है विलायक, और शक्कर कम है पानी की तुलना में तो वो विलेय है। तो ये कम और ज्यादा के हिसाब से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो क्या बोलोगे, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय और विलायक को पहचान सकते हैं क्या, बताइए। सूरज कह रहे हैं कि सर क्या रिक्वेस्ट करें, करिए, और ज्यादा बेहतर है कि आप कमेंट बॉक्स में करिए, जो कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में करिए, बेहतर होगा बेटा, ठीक है। तो यह हो गया, विलायक अधिक मात्रा होता है जिसकी, और विलेय जिसकी कम मात्रा होती है। अब मैं यहां पर इसी बात को लेंगू घटक। अब विलयन के प्रकारों को, विलयन घटकों की संख्या के आधार पर प्रकार, पहला है द्विघटकी विलयन, दूसरा है त्रिघटकी विलयन, तीसरा है चतुर्घटकी विलयन। अब मैंने बताया ना बेटा, द्विघटकी विलयन किसे कहते हैं, वे विलयन जो दो पदार्थों से बना होता है द्विघटकी विलयन, त्रिघटकी विलयन वे विलयन जो तीन पदार्थों से बना होता है त्रिघटकी विलयन, चतुर्घटकी विलयन जो चार पदार्थों से बना होता है। लेकिन हमारा जो कोर्स है द्विघटकी विलयन के अंदर है, इसलिए द्विघटकी विलयन को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है साहब। मैं पूरा ट्वेल्थ को शुरू से करा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, आप अपनी नोट्स बनाइएगा, जिन बच्चों का पहले भी पढ़ चुके हैं वो अपना रिवीजन कर लीजिएगा, अपने बढ़ चढ़ के आंसर देने की कोशिश करिएगा। और जो बच्चा पहले दिन शुरुआत कर रहा है वो आज से शुरुआत करिएगा, आपकी बेसिक चीजें भी पढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, ये वाली क्लास अपने दोस्त को बता दीजिएगा, और खुद इस क्लास से आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और कुछ कहना चाहते हैं तो आपकी बातें मैं आगे जाकर के चलूंगा। तो यहां तक की बात समझ में आ गया, विलयन समझ में आ गया, घटक समझ में आ गया, विलेय और विलायक समझ में आ गया, और द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। देखो द्विअंगी विलयन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी को क्या बोलते हैं, ट्राइनरी सॉल्यूशन।
चतुष्नारी को बोले टेट्रानारी सॉल्यूशन, इस तरह से। तो ये है द्वि, त्रि और चतुष, ठीक है। अब चलते हैं, मैंने जो बताया घटक, विलय और विलायक परिभाषा सबको याद हो गया, विलय क्या है विलायक क्या है सबको याद हो गया, यस और नो में जवाब दो बच्चों, अच्छा लगता है जब आप बताते हैं ना तो समझ में आता कि भी पढ़ रहे हो। यार बच्चों यार एक बात मैं बोलूंगा, कई बच्चे लिखते हैं कि सर मेरा नाम लो, मत बोलो यार ये अच्छा नहीं लगता है ना, बस पढ़ो यार, क्योंकि आपका नाम यहां पर दर्ज हो गया इतिहास में, वो चैट कभी घूमेगा नहीं, और अगर आपने कमेंट में लिख दिया तो इतिहास में दर्ज हो गया नाम, तो इसलिए कहते हो कमेंट में बोला करिए ज्यादा अच्छा रहेगा। विलायक विलय, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, विलय को सॉल्यूट कहते हैं, बी से दर्शाते हैं। परिभाषा मैंने बताया, वे पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है, जिसकी मात्रा कम होता है विलय कहलाता है, मैंने लिख दिया है यार लिख लो। हां जी इरशाद ने कहा कि सर पहले पढ़ा चुके तो कई बार पढ़ना है भैया, हर साल पढ़ाना है यार, हर साल बच्चे आएंगे हर साल पढ़ाया जाएगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। याद हो गया, शिवम सिंह राजपूत कहता है कि सर कमेंट नहीं पढ़ते हो क्या, क्या आप पढ़ते रहो भाई साहब, सुने ना आपने, मैंने कहा ना पढ़ाई पे ध्यान दो, अगर आपका कमेंट और आपका चैट पढ़ते रहूंगा ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, पढ़ाई कुछ नहीं होने वाली, फिर बकवास हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, आप बाद में सोचोगे मैं दूसरे का पढ़ने लगूंगा तो आपको बोर लगेगा, आपका पढ़ूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसा होता से होता चलते जाता है, बस कुछ नहीं इसके। तो चलिए साहब बात हो गई, विलायक की परिभाषा हो गया, विलय की परिभाषा हो गई, हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, विलयन, अगर मैंने यहां पर चलो मैं कहता हूं कि 100 ml विलयन पानी था, 100 ml पानी में मैंने 10 ml अल्कोहल घोल दिया है, तो यहां पर 10% वाली बात हो गई। 90 ml पानी, देखो मैंने कहा 100 ml, मैं समझाता हूं थोड़ा सा, सिंपल सी बात समझाता हूं मैं आपको, ये है 100 ml, कितना 100 ml सॉल्यूशन है। जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने क्या किया था कि 90 ml मैंने जल लिया था और 10 ml मैंने अल्कोहल लिया था, तो इस जगह पर यहां पे मैं कहूंगा कि आयतन के अनुसार ये किसकी मात्रा ज्यादा, कितना अल्कोहल कितना परसेंट है इसमें, तो मैं बोलूंगा ये 10% सॉल्यूशन है अल्कोहल का। मतलब मैं क्या बता रहा हूं यार, सांद्रता कि कितने में, ये 10% का मतलब है 100 ml अल्कोहल में, अल्कोहल के विलयन में 10% 10 ml अल्कोहल है और 90 ml पानी है, ये बताता है। तो ये इस तरह से किसमें कितनी मात्रा में क्या घुला हुआ ये बताने के लिए यहां पर कुछ इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, सांद्रता इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है उसके बारे में बता दूं, मोलरता, मोल अंश, मोललता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बाकी चीजें भी बहुत जरूरी है पर आज की क्लास में मैं इनको लेकर चलूंगा। अब इस चीज को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, क्लास कितने बजे शुरू होती है बेटा 8 बजे, थोड़ा वीडियो देख लिया करो भाई, समझ में आ जाती है कितने बजे, अभी देख लो है ना, तो मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, ये मोल, मोल अंश, मोलरता और मोललता पे ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए इन सारी चीजों को समझने के लिए, इस पे थोड़ी सी बात करता हूं। पहली शुरुआत आपकी जरूरी है कि बेटा मोल, मोल मोल को स्मॉल एन से दर्शाते हैं, तो मोल का फॉर्मूला हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कॉपी में लिखिएगा, मोल, मोल के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, स्मॉल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, ये फॉर्मूला याद रखिए। यहां पर क्या क्या चीज है देखें, एन को तो समझा दिया ये मोल है भाई, डब्ल्यू जो है वो ग्राम में द्रव्यमान है, यानी द्रव्य तौलते हैं, तौल है ये, ग्राम में तौल है, ग्राम द्रव्यमान है, वेट है, ग्राम वेट, ग्राम में वैल्यू है, एम जो है वो अणु भार है।
अणुभार कितने बच्चों को निकालने नहीं आता ये मुझे जल्दी से बता दो। नहीं आता वो नो लिखो, आता है उसको यस लिखो, चलो मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि इस विज्ञान में ये बहुत जरूरी है। मोल क्या है? N इज इक्वल टू W बाई M, कैपिटल W लिखा करिए, ये लीजिए। यहीं से पूरा विलियन भरा हुआ है, यहीं से विलियन आगे बढ़ता है, विलियन की समझ आगे बढ़ती है। सब बच्चे ने लिखा यस, अणुभार निकालने आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सबको। कुछ बच्चों ने लिखा है नो, कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूं। जल किसके बारे में? अणुभार। जल का अणुभार या आणविक द्रव्यमान भी कहेंगे, आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं इसको, यहां पर आणविक द्रव्यमान ये भी कह सकते हैं। फिलहाल मैं अणुभार भी लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। H2O का अणुभार क्या होगा? H2O के अणुभार तो यहां पर होगा, देखें, H का परमाणु भार, दो हाइड्रोजन है तो गुणा दो, फिर प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार। हाइड्रोजन का पर हाइड्रोजन के बारे में बताया ना, ये हाइड्रोजन वन वन याद करते हो तो ये उसका परमाणु भार है, और ऑक्सीजन को कैसे याद करते हो? 8 16, तो ये उसका परमाणु भार है। अब इस फॉर्मूले में मान रखो, अच्छा इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे बेटा? अणुभार M से दर्शाते हो, M ऑफ H2O, ऐसा लिखो। इतना लंबा लिखने से अच्छा है ऐसा लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया, देख लो। अब जो नो कहे वो तो सुन लो पहले। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? यहां पर देखो, हाइड्रोजन का परमाणु भार एक है, गुणा दो, दो क्यों किए? क्योंकि दो हाइड्रोजन है यहां पर, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो कितना हुआ? 2 × 16 = 18। अब इतना कर लिया है ना, तो हर बच्चा बता सकता है अणुभार निकालना। और होमवर्क दे रहा हूं इसके बाद, होमवर्क, इनका आप अणुभार निकालोगे। अणुभार ज्ञात कीजिए, ये आपका होमवर्क है। जैसे लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखते जाना। H2SO4 का, CO2 का, NH3 का, NaOH का, C2H5 OH, CH3 OH, HCHO, बहुत सारी चीजें यहां पर और लिख देता हूं। CO NH2 CONH2, इन सब का आप क्या करोगे? CH2OH, ये क्या है मैं आगे जाके बताऊंगा। इनका आप अणुभार आदि, इन सब का अणुभार आप कैलकुलेट कर लेना बच्चा, जो सीखे हैं आज। परमाणु भारों को याद रखना पड़ेगा, यहां पर कुछ कुछ चीजों की परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां पर आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ा, सल्फर 16 32, नाइट्रोजन 7 14, है ना, और किसकी जरूरत पड़ेगा? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, सोडियम 11 23, इनका परमाणु भार याद रखिए। तो आप ये कर सकते हो, सारे बच्चे लगभग बच्चे बताने शुरू कर दिए किसका किसका है। ओके, तो चलिए ठीक है, अब इस तरह से आप इनका कर दीजिए। अब चलता हूं मैं आगे कि आपने मोल का फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं मुझे बताओ। तो चलो बच्चों बताओ जल्दी से, अणुभार, सर मैंने क्या कहा यहां पे? मोल का फॉर्मूला याद हो गया, W बाई M, द्रव्यमान बटा अणुभार, वही होता है मोल। मैं अगर एक छोटा सा शब्द पूछ लूं तो क्या आप जवाब दोगे? जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा, इसी के आधार पर प्रश्न पूछता हूं कि 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। प्रश्न है 36 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं, क्योंकि जब आपको विलयन पढ़ना हो तो यहां से शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप सिर्फ विलयन 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 करते नहीं निकल सकते, तो यह आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए तो मजा आ जाएगा। 36 ग्राम
हाँ जी, तब बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा, सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको। तो आप ये समझते हो कि यहां पर दिया गया जल 36 ग्राम, यानी W दिया गया है 36 ग्राम, और जल, जल से पता चलेगा अणुभार, क्योंकि जल का अणुभार पूछा, तो जल M of H2O हमें 18 पता है, 18, क्योंकि हमने उसका अणुभार रखना है, क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है N is equals to W by M, तो W तो हमको पता चल गया 36, और अणुभार रखना पड़ेगा, तो अणुभार का हमने सीधा सीधा ये वाली चीज आपको कैलकुलेट करना है, जो कि हमने यहां पर करके दिखा दिए हैं। सो कितना होगा 18, तो वैल्यू आएगा 2। कितने बच्चों ने बताया? बहुत सारे बच्चों ने बता दिया इस बात को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूंगा इसके आगे चलने की। अब सवाल यह आता है कि मैं मोल शब्द का उपयोग करते हुए, इस मोल शब्द का उपयोग करते हुए तीन तरह की सांद्रता इकाइयों का को समझाऊंगा। पहला ये है, पहला है मोलरता, नोट करोगे मोलरता, इसको कहते हैं मोलैरिटी, इसको कहते हैं मोलैरिटी, और इसको कैपिटल एम से इसको भी दर्शाते हैं, ध्यान रखना। अब ये होता क्या है भाई, ये होता क्या है, मैं आपको यहां पर एक सूत्र लिख रहा हूं, उस सूत्र के आधार पर इसकी परिभाषा लिख दूंगा। ये है मोलरता, ये लिखा हूं मैं एम से दर्शा रहा हूं, मोलरता बराबर होगा विलेय की, विलेय का मोल, शॉर्ट में लिख रहा हूं शब्द, विलेय का मोल विलयन का आयतन, लीटर में। मैंने बड़ा सिंपल सा परिभाषा लिखा है, बड़ा सिंपल सा सूत्र लिखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो विलेय का मोल विलयन का आयतन, आयतन किसमें है, लीटर में। बताओ बेटा, एक लाइन होता है जिसको भाग कहते हैं, भाग मतलब प्रति, तो क्या हुआ प्रति, देखो मैं ये लाइन हुआ ना, जैसे लिखता हूं ना ये, वैसे ग्राम प्रति लीटर ऐसे लिखते हो ना, ग्राम प्रति लीटर, तो ये भाग जो होता है ना, इसको प्रति एक के लिए लिखा जाता है, एक के लिए, जब किसी नंबर से किसी को भाग दिया जाता है उसके पर की वैल्यू हो जाती है। तो यहां पर हम इसको परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित करेंगे, जरा देखिए परिभाषा कितना आसान हो गया। एक देखो, ये देखो, ये है नीचे है, तो प्रति, प्रति लीटर, प्रति लीटर विलयन, लीटर में आयतन है, लीटर आयतन की इकाई है, तो यहां पर होगा प्रति लीटर विलयन में, प्रति लीटर विलयन में, एक लीटर विलयन में विलेय के मोल, विलेय की मोलों की संख्या, मोल को मोलों की संख्या कहा जाता है, मोल एक निश्चित नंबर को आ जाता है, मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। बस परिभाषा में ऊपर लिखते हैं, मैंने नीचे लिखा, जो दिख रहा वही लिखा, यही बात है। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। याद हो गया, इसको देख करके कर सकते हो या इसके आधार पर इसको कर सकते हो। तो हम यहां पर कह सकते हैं, अर्थात मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोल को किससे दर्शाते हो बेटा, विलेय को बी से दर्शाते हो, मोल को एन से दर्शाते हो, तो क्या लिखोगे, एन ऑफ बी, विलेय की मोल, हेलो मोल एन है, बी विलेय है, विलेय का मोल, तो क्या हुआ, आपने क्या दिखा, n है मोल, b है विलेय, तो मोल ऑफ b, नीचे कौन है आयतन, आयतन है v, v है किसमें, लीटर में, लीटर में,
अब आपको मैंने एक चीज थोड़ी देर पहले बताया था, n इज इक्वल टू w बाई m, चाहो तो जितना आप इसको एक्सप्लेन करना चाहो कर सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, ये इसकी जगह n w बाई m, तो ये n b का है, तो क्या उसके n b इज इक्वल टू w b बाई m b, फॉर्मूला आ गया m इज इक्वल टू w b बाई m b, इसके नीचे ही आएगा इंटू वी, ये होगा लीटर में। बेटा इसको मैं ml में कर देता हूं, तो ml में करूंगा तो ml को 1000 से भाग दूंगा तभी लीटर होगा, इसलिए ऊपर में 1000 आएगा। आप ये फॉर्मूला रट्टा मार लो या समझ लो, डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या चाहते हो। यहां तक विलियम में यहां तक सीखना एक सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए। बहुत सारी बातें पढ़ने का होता है, बहुत सारी बातें आप पढ़ते रहो, काम की चीज पढ़ लो ना पहले, फिर बाद में बात करेंगे। चलिए हो गया। हो गया, तो इस तरह से यह हुआ मोलरता। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, एक प्रश्न पूछ रहा हूं मोलरता से, प्रश्न लिखो आप और बना के देखो बनेगा कि नहीं, देखते हैं। ये फॉर्मूला याद होगा WB into 1000 by MB into VML में, है ना, in ML। अगर साफ सुथरा और लिख दूं तो मैं लिख देता हूं in ML। चलिए मैं लिखता हूं यहां पर चार ग्राम NaOH ml विलयन में घुला है। कॉपी में नोट कर रहे हो कि नहीं, देख लो, कॉपी में नोट कर रहा हूं और करना है मेरे साथ, में घुला है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ये बन जाएगा, क्या दिया है ढूंढो भाई, बन जाएगा? बेटा आज से न्यूमेरिकल, यार 11th से 12th में जाते समय एक बच्चा सोचता है कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता है, तुम्हें कैसे आएगा? जब तक थ्योरी ना पता हो फॉर्मूले में मान रख करके नहीं बना सकते, चाहे आप मैथ्स का स्टूडेंट हो चाहे केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, न्यूमेरिकल एक कॉन्सेप्ट से लेकर चला जाता है, ना कि फॉर्मूले पे काम करने से हो जाएगा। फॉर्मूला जरूरी है, फॉर्मूला तो आपके पास लिख दिया हूं, आप जब काम करें तो फॉर्मूला आपके सामने रखें और फॉर्मूला लगा के देखें कि कैसे बनेगा। पहले यह पता लगाओ कि इसमें क्या क्या चीज है। चलो साहब, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते हो तो इसमें दिया क्या गया है, गिवन पे बात करते हैं। गिवन है बेटा चार ग्राम NaOH, तो यहां पर विलेय है, विलेय यानी कि बी, बी क्या है, NaOH। चलिए साहब ये कितने ग्राम, तो देखो डब्ल्यू बी यानी कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान क्या है, चार ग्राम। विलयन का आयतन, आयतन मान रखो जल्दी से, विलयन का आयतन वी, वी कितना है 500 ml। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, मोलरता कैपिटल M। सूत्र क्या होगा मोलरता का, किसी को याद है, मोलरता का होता है W डबल सो कैपिटल M इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय एम बी इंटू वी इन एम एल। क्या है m इज इक्वल टू, अब आपको क्या दिया है, डब्ल्यू बी है ना, विलेय का द्रव्यमान चार ग्राम, चार ग्राम इंटू 1000। एम बी नहीं दिया भाई, एम बी, बी दिया है b का m निकालना, m यानी अणुभार निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो एम बी इज इक्वल टू Na का परमाणु भार होता है 23, 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का एक होता है, यानी कि 40 हो गया। तो यहां पर आपका हुआ एम बी, हो गया 40।
N2 दिया है 500, अब बताओ क्या करोगे, क्या क्या मिला आपको? मिल गया है यहां पे, बोलो ये 1 2, ये 2 0 0 0 कट गया, ठीक है, ये 4 और ये 4 भी कट गया, क्या मिला बताओ? क्या मिला? M is equals to 1/5. 1/5 का क्या मतलब हुआ? 1/5 का मतलब हुआ, बोलो, तो इसका मतलब हुआ 0.2 molar. पांच दूनी 10, यस, ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास होता है ये वैल्यू, ठीक है. तो चलो बेटा, ये तो समझ में आ गया, मोलरता संबंधित बातें हमने क्लियर कर लिए हैं. मोलरता फॉर्मूले में क्या क्या चीज आपको क्लियर नहीं है तो बता सकते हैं आप चाहे तो. यहां पर WB विलेय का द्रव्यमान, MB विलेय का अणुभार, इस तरह से. चलिए हो गया. अब हम एक और चीज पढ़ना चाहते हैं. 40 नहीं है, कहां 40 नहीं है, कैसे 40 नहीं है, अणुभार 40 नहीं आएगा इसका. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा तो क्लियर हो जाएगा. अगला शब्द है हमारा मोललता. इसको कहते हैं मोलालिटी. मैं लिख रहा हूं यहां पर परिभाषाएं, आप इसको नोट करो मेरे साथ. क्या होगा? प्रति किलोग्राम विलायक, यहां पर विलायक यानी कि WA, विलायक का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? WA कहलाएगा. प्रति किलोग्राम विलायक WA में घुले विलेय की मोलों की संख्या जिसको NB कहते हैं, विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है. नोट कर लो बेटा, मैं आपके सामने सब कुछ लिख रहा हूं इस तरह से. कुछ बच्चे मुझे बार बार पूछ रहे कि सर आरंभ बैच का क्या, आरंभ बैच आप ले सकते हैं, मैं जिसकी पूरी सूचना देने वाला हूं थोड़ी देर में, और दे चुका हूं एक बार, और आप 12th के साथ नीट निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा कोर्स है, और इसमें बेहतरीन क्या क्या बातें होंगी इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा. आरंभ बैच आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही, तो ध्यान रखिए. यहां पर बात कर रहे थे तो क्या होगा मोललता. मोललता को हम स्मॉल m से दर्शाते हैं, तो मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू होगा विलेय की मोल की संख्या को क्या लिखते हैं बेटा, विलेय की मोल की संख्या के n भी लिखते हैं. तो विलेय की मोलों की मोललता विलेय की मोलों की संख्या है, जो कि कितने, प्रति, प्रति मतलब क्या हुआ, बटा विलेय, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, तो WA इन kg. देखो विलायक का प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या है. तब हमारे पास ये n, m इज इक्वल टू हो जाएगा, n का मतलब होता है W/m, और चूंकि ये b का है यानी विलेय का है, तो विलेय का दोनों होगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का अणुभार, इनटू WA. ये ग्राम, इसको किलोग्राम को मैं ग्राम में अगर कन्वर्ट कर दूं तो ऊपर मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये फॉर्मूला याद रखो, और इसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे. चलिए इसके साथ एक न्यूमेरिकल करेंगे, जल्दी से नोट कर लो बेटा, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, बस याद रखो
कि थोड़ी चीजों को आपको लिखना पड़ेगा, और अगर आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि क्लास के बारे में पूछा, बच्चा पूछ रहा है कि मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे ये होगा 12th की क्लास 8 PM यूट्यूब पर, और TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये 11th की क्लास होगी 8 PM पर। ये याद रखें, फॉर्मूला याद हो गया, स्मॉल m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। चलो प्रश्न करते हैं, और क्वेश्चन देखें इसको बना सकते हो क्या, चलो बताओ। प्रश्न है, 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया, यहां पर पहचानना होगा कि विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है, विलेय की आपको अनुभार निकालने की जरूरत पड़ती है। तो 6 ग्राम यूरिया, फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। 6 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम जल में विलेय है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, बोलो बोलो बच्चों जल्दी। कैसे ज्ञात करोगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्व करते हैं इसको। गिवन क्या है यार, दिया क्या गया है पता होना चाहिए, विलेय क्या है, विलायक क्या है, ये सिंपल जो बातें हैं इसको जानना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर आप कितना भी काम करो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। विलायक क्या है, विलेय आपका यहां पर यूरिया है, यूरिया का कोई फॉर्मूला बता सके तो बताइए जल्दी से, और विलेय है जल, विलेय से आपको मोललता है, तो मोललता के फॉर्मूला हमको पता है, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए एन एम एल। हमें किन किन चीजों की जरूरत है, डब्ल्यू बी की जरूरत है, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय है यूरिया और यूरिया का द्रव्यमान, तो यहां विलेय का द्रव्यमान बी विलेय, डब्ल्यू द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान हुआ 6 ग्राम, विलेय का अणुभार बी विलेय है, एम अणुभार है, बात हुई थी ना, धीरे, अगर फास्ट में नहीं सीख पा रहे धीरे करना वीडियो, बार 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 एकदम समझ में आएगा। चलो साहब, एम बी यूरिया, यूरिया होता है भैया, आपको बता दूं फॉर्मूला, NH2CONH2, अनुभार निकाल के देखो कितना आया बताओ, 60 मोलर मास आएगा, किसने कहा समीर, निकाल के देखो आप, बन जाएगा, तो इसका आएगा रियल में 60 आएगा, आप कैलकुलेट करके देखना, फॉर्मूला बता दिया। अब डब्ल्यू ए, ए जल, जल का 100 ग्राम है द्रव्यमान, 100 आपने मान रखा, ज्ञात क्या करना है, स्मॉल एम आपको ज्ञात करना है, फॉर्मूला तो है ही, चलो वैल्यू पुट करते हैं, एम इज इक्वल टू W है 6 इंटू 1000 बाई 100, सॉरी ये कितना है 60 इंटू 100, 1 2 3 1 2 3, 0 कट गया, 1 और ये 1, 6 कम 6 कितना हुआ, सीधा समतल पूरा कट गया है, वैल्यू आया 1, यानी 1 m इसका आंसर होता है, 1 मोलर विलयन है, 1 मोलल विलयन है।
हमें पढ़ना है बहुत कुछ, हमें पढ़ना है मोलरता, देखो मोलरता हो गया, मोललता हो गया, और इसकी गहराइयों को पढ़ना है। तो बच्चों एक बार बताओ, इतना स्पीड रखेंगे इसमें, स्लो रखेंगे कि इससे फास्ट रखेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। क्या इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना है बारीकी से? अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक काम जरूर करें, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री को एक बार जरूर पढ़ें। मैंने कहा कान में डाल लो, दिमाग में डाल लो, कॉपी में लिखो, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री में जाओ। और कुछ बातें कि हमारा टेलीग्राम चैनल विक्रम सर हैप केमिस्ट्री में जाओ, और ट्वेल्थ पढ़ो यार बेहतर तरह से, नीट को भी निकालो यार बेहतर तरह से। हमने इसके लिए लाया है आरंभ बैच, ये पूरी तरह लाइव बैच है। इसमें अच्छा ये 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 22 मई से स्टार्ट हो रहा है, यानी आज से स्टार्ट हो रहा है ये। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह लाइव क्लास है। अगर आपने अभी तक इस बैच में ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, बाद में पछताओगे, क्योंकि यह बहुत कम फीस में मिल रहा है। और इसमें मिलेगा, यह पूरी तरह से लाइव है, यह ए स्टार टॉप बैच उन बच्चों को मिलेगा जो बच्चा हमारे क्लास के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस करते जाएंगे। यहां पर बैकलॉग सीरीज होगा, यानी कुछ भी ना छूटे, बार बार रिवाइज किया जाएगा, यानी आपकी पढ़ाई ऐसे ना चलते हुए, आपकी पढ़ाई ऐसे ना चलते हुए, ऐसे ना चलते हुए, आपकी पढ़ाई ऐसे चलते चलते कुछ कुछ टाइम पर आपका इस तरह से रिविजन और बैकलॉग किया जाएगा, जिससे हर वो भूली हुई बातें याद आती रहेंगी। भूली हुई यादें याद किया जाएगा, भूली हुई बातों को याद किया जाएगा। और इस तरह से हम यहां पर कहते हैं कि भाई आपका जो परफॉर्मेंस है उसका चेक किया जाएगा, यानी कि आपने कितना क्लास अटेंड किया, कितना नहीं किया, क्या छोड़े, कौन सा होमवर्क किए, मार्क्स कितने आए, इन सारे बातों के बेस पर ही आपको मिलता है ए स्टार टॉप बैच में शामिल होने का भी मौका आपको मिलेगा यहां पर। इसके फीचर्स हैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली क्लास डीपीपी, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। साथ में आपको होमवर्क मिलेगा, टीचर्स के स्लाइड्स मिलेंगे, टीचर्स के नोट्स मिलेंगे, यार सब कुछ है, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर सिलेक्शन चाहते हो, अगर आप नीट निकालना चाहते हो, तो दो बातें करना पड़े, एक तो हमारे यूट्यूब के साथ आप जुड़े रहिए रेगुलरली, और ये पेड कोर्स जो काफी सस्ते में, काफी कम कीमत में बेहतरीन कोर्स दिया जा रहा है। यहां पर ये सस्ता कोर्स नहीं है, यहां पर बेहतरीन टीचरों का टीम है, जो सबसे महंगे टीचर्स है वो आप लोगों के लिए कम फीस में आए हुए हैं देने के लिए। वो है यहां पर, देखिए कौन कौन टीचर हैं आपके पास, मैं नाम बताना चाहूंगा। देखिए ये विपिन सर हैं, फिजिक्स में आएंगे। ये योगेश सर हैं, बायोलॉजी देंगे। पार्थ सर हैं, बायोलॉजी देंगे। ये विक्रम सर हैं, ये आपको केमिस्ट्री देंगे। ये शुभम पालीवाल सर हैं, फिजिक्स देंगे। और ये कामेश सर हैं, जो आपको केमिस्ट्री देंगे। अब मैंने जो बताया वो सारे टीचर्स, इसके एक्सपीरियंस तो देखिए साहब, 10 सालों का एक्सपीरियंस है, 7 सालों का एक्सपीरियंस है, 8 सालों का एक्सपीरियंस है कामेश सर को। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, सबसे बुढ़ा मैं हो गया हूं, लेकिन एक्सपीरियंस 25 इयर्स का, रियल में 25 इयर्स का। ये आज विपिन सर 7 साल से ज्यादा, शुभम पालीवाल सर 9 साल प्लस, ये एक्सपीरियंस है। और आपको देंगे अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज और नए इन्वेंशन के तहत एक बेहतरीन क्लास, वो है आरंभ बैच। और इसमें आपको अभी ऑफर के तहत, जो हमने आपको बता दें, ये ऑफर 22 मई लास्ट है, यानी कि आज लास्ट है, आप जल्दी करें इसमें एडमिशन लेने के लिए। आरंभ, ये आप कूपन कोड लगाएं, ये ऑफर प्राप्त करना है तो हमें कॉल कर सकते हैं 01247158250 पर। बेटा ये समय निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा, बाद में कितनों भी कर लो यार ऐसा बैच नहीं मिलेगा। बाद में तो कई बैच आएंगे हो सकता है, लेकिन ये वाली बैच से बेहतर बैच नहीं आ सकती, क्योंकि इस बैच की सबसे बड़ी बात यही है कि ये सुपर लाइव बैच है। और आज से शुरू होगा, हमारे पास इतना वक्त रहेगा कि आपको आराम से बहुत बेहतर तरह से बना सकते हैं, एक एक चीजों को सिखा सकते हैं, तो ये हमारे पास है। दूसरी बात है, आप हमसे जुड़े हैं और हम ये बैच आप चाहते हैं, तो नीचे गूगल शीट दिया गया है, गूगल फॉर्म दिया गया, उसको फिल करिए, कहिए विक्रम सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल हम आपके लिए हाजिर हैं। बातों को आसान बनाने के लिए हम कैसे पढ़ाते हैं, अगर आप हमारा जीरो लेवल के बेसिक केमिस्ट्री एक बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार विक्रम सर की क्लास जरूर लेनी चाहिए। एक बार जरूर उस जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री की तरफ जरूर जाइए।
जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री कहां मिलेगा, क्लास 11th में पहला मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। आप जब ओपन करते हैं यूट्यूब चैनल तो मिलता है वीडियो, होम वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा क्लास 11th केमिस्ट्री। तो वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा पहला प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री, फिर मिलेगा क्लास चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, इस तरह से लाइन से मिलेगा। जीरो लेवल की 28 वीडियो को अगर आपने कर लिया तो पता चला कि विक्रम सर ने आपको एकदम बारीकी से समझाया एक-एक चीजों को। तो यार वो क्लास आप जरूर देखिए, थोड़े यार रिकॉर्डेड क्लास देखिए, थोड़े आप पता लगाइए, एक घंटे के अंदर दो घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि हमने क्या दिया है। तो बेटा, और वो बच्चे जो हमसे काफी पहले से जुड़े हुए, अपने दोस्तों को जोड़िए हमारे क्लास के साथ, यूट्यूब के साथ और हमारे पैड बैच के साथ। पैड बैच में आप हमेशा बेहतर कर सकेंगे, आपकी जो पढ़ाई है, आप कितनों भी ऑफलाइन करिए यार, ऑफलाइन से बेस्ट ही रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आज हमसे जुड़िए, कोशिश करिए कि अपने पेरेंट्स को बताइए कि ये बहुत ही कम फीस में है, कंप्लीट कोर्स है, सारे सब्जेक्ट के साथ हम आ रहे हैं आपके पास। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, वेलकम बच्चों हमारे साथ।